नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो ग्रुप फाइव का एग्ज़ाम चल रहा है उस एग्ज़ाम में पूछे गए पुराने क्वेश्चन पेपर, इस वीडियो में दोस्तों हम लगभग 7 क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2017 में ये पेपर हुआ था। और ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो पुराने क्वेश्चन पेपर में से रिपीट हो जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ये दोस्तों इंग्लिश का है। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट द सेंटेंस। स्पेस है, टोबैको फार्मर्स हैड नॉट एट फेल्ड इट्स इफेक्ट। दोस्तों इसमें जो आएगा इवन दो देयर वाज अ कैंपेन अगेंस्ट स्मोकिंग। नेक्स्ट दोस्तों, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कारखाने के मजदूर की आय, ये दोस्तों जो माध्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मीन से, मीडियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको जो है इसमें जस्टिस HL दत्तू जी थे उस टाइम पर, ये आपको मतलब GK का क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। एक दोस्तों हम रीजनिंग की भी बहुत जल्द ही जो है एक क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हम आपको एक कोडिंग से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो जो है आपको बताएंगे सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैथ का है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक होता है। तो दोस्तों परिमेय संख्या ही होता है। नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है, रुधिर बिंबाणुओं का प्रत्येक कार्य का प्रमुख कार्य में सहायता करना होता है। तो दोस्तों जो है रक्त का थक्का बनाने में, और रक्त का थक्का दोस्तों विटामिन के कारण जो है बनता है। यदि किसी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि यदि चोट लग जाए तो रक्त बहता रहता है। इसमें दोस्तों प्रपोजिशन आपको चूज करना है। सेंटेंस है, वी आर गोइंग स्पेस है अ वैकेशन स्पेस द एंड ऑफ अगस्त। तो इसमें दोस्तों पहले में ऑन आएगा, वी आर गोइंग ऑन अ वैकेशन बाय द एंड ऑफ अगस्त। नेक्स्ट दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है, जल का स्थायी कठोरपन के परिवर्धन द्वारा दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर किया जा सकता है। फिर दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट का है। 24वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसने पद संभाला है? तो दोस्तों ये मार्शल VS धनोआ जी ने संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये साइंस का क्वेश्चन है, रजत ने देखा कि बेंगलुरु की एक झील में मृत मछलियाँ इधर उधर तैर रही हैं और पूरी झील गंदे चिपचिपे हरे पदार्थ से आवृत है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों सुपोषण था इसका कारण। दोस्तों आर्टिकल का क्वेश्चन है, अनीता रिमेम्बर्ड गोइंग विद स्पेस ग्रुप ऑफ फ्रेंड फॉर एक्सपीडिशन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है पहले में ए आएगा, दूसरे में द आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। करंट का क्वेश्चन है, 1 मई 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य था। तो दोस्तों इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, BPL परिवारों में महिलाओं के लिए LPG कनेक्शन शुरू कर उपलब्ध कराना। और दोस्तों ये योजना UP के बलिया से शुरू हुई थी। दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन आ गया है, जिन अवयवों से हर्ष शोक घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं, जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, उन्हें कहते हैं? तो दोस्तों विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगार आयतन निकेतन आवास किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों ये घर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, GK का है, बाहरी ग्रह यूरेनस अपनी धुरी पर घूमता है। तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम घूमता है। फिर दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है। फिर दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, शब्दार्थों सहित काव्यम यह उक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये भामह की युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंग्लिश का है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस, वी कैन गो आउट नाउ इट एनी मोर। तो दोस्तों इसमें जो है इज नॉट रेनिंग आएगा। फिर दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है सिंप्लीफिकेशन का। फिर इंग्लिश है दोस्तों, इसमें चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस है, आई स्पेस इन बेंगलोर इन द मिडल ऑफ सितंबर 2005। तो आई अराइव्ड, यहाँ पे अराइव्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का ये दोस्तों, करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन,
वी आर एक्सट्रीमली सॉरी टू लॉस जॉन एज एन इन द मशीन शॉप, तो एम्प्लॉई यहाँ पे आएगा। फिर दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। एक सामान्य षडभुज में सममिति की कितनी रेखाएं हो सकती हैं? तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 6 है इसका आंसर। अब नेक्स्ट पेपर की ओर दोस्तों हम चलते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, फिर ये भी मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी मैथ का है, फिर दोस्तों इंग्लिश का आया है वही प्रपोजिशन से। आई विल सी यू स्पेस 10 मिनट, बट प्लीज़ वेट मी इफ आई एम लेट। तो दोस्तों पहले में इन आएगा, दूसरे में 4 आएगा। फिर दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोड डिकोड वाला। फिर करंट अफेयर जीके का, हाल ही में 27वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद किसने संभाला है? तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी ने संभाला। नेक्स्ट है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में विद्युत चुम्बकीय किरणों द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण कहलाता है? तो दोस्तों विकिरण कहलाता है। फिर दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, फिर दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर हिंदी का जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द है, तो दोस्तों अज्ञानी। फिर दोस्तों इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन द, फिर स्पेस है फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर कुड बी सीन 10 माइल्स अवे, तो दोस्तों इसमें स्मोक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक में वनस्पति प्रवर्धन द्वारा होता है? दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है, तो दोस्तों बीज इसमें तना, सॉरी। नेक्स्ट, ग्रेट वियर तारामंडल में तारों की प्रमुख संख्या है? तो दोस्तों इसमें 4 है, ये जीके का क्वेश्चन है। कंप्लीट द सेंटेंस राइट ऑप्शन, द बॉस वेंट ऑन अ स्पेस व्हेन ही फाउंड हिम वाइलिंग अवे हिज टाइम, तो दोस्तों ट्रेडे अगेंस्ट हिज असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार आयोग ने सभी आपातकालों के लिए नंबर के रूप में को अपनी मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, योर फ्रेंच बेटर डे आफ्टर डे इज गेटिंग आएगा इसमें। फिर दोस्तों हिंदी आ गया है, निम्न में से किस शब्द का निर्माण उर्दू के उपसर्ग से हुआ है? तो दोस्तों बदबू, बदबू जो शब्द है उर्दू का इसमें उपसर्ग लगा है व। उपसर्ग दोस्तों किसी भी शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें से शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने एक ग्रंथ का निर्माण किया, उसने एक चित्र की रचना की है, उसकी शंका का समाधान हो गया, इस पहेली का समाधान हो गया। तो दोस्तों तीसरा सही है, उसकी शंका का समाधान हो गया। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ वहाँ भीतर बाहर कौन से क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों ये स्थितिवाचक है, स्थिति बता रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों साइंस का क्वेश्चन, मैग्नीशियम नाइट्रेट में मैग्नीशियम आयन और नाइट्रेट आयन समाविष्ट हैं, इसका सूत्र है Mg, फिर कोष्टक NO3, कोष्टक 2 है इसमें, ठीक है। फिर दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, फिर ये मैथ का क्वेश्चन है, फिर दोस्तों इंग्लिश आ गया है। करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, पीपल हु लिव इन स्मॉल विलेज आर बाउंड टू सी अ गुड स्पेस ऑफ ईच अदर, तो दोस्तों इसमें डील आएगा। फिर इंग्लिश है, इसमें आर्टिकल है, दे आर हैविंग इंटरेस्टिंग डिबेट ऑन चाइल्ड लेबर इन कॉलेज ऑडिटोरियम। तो दोस्तों देखिए, इंटरेस्टिंग के पहले एन आएगा क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो स्वर की तरह है, ठीक है, और दूसरे में द आएगा। नेक्स्ट पेपर की ओर दोस्तों हम चलते हैं, लगभग 6-7 पेपर दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, पुराने पेपर हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें वही, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, फोर ऑफ द स्पेस ऑफ द कार वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, तो दोस्तों इसमें ऑक्यूपेंट्स आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है,
पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हैज़ प्रपोज्ड स्पेस इंक्रीज ऑफ रेट पर लीटर ऑफ पेट्रोल फ्रॉम मिडनाइट नवंबर। तो दोस्तों पहले द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आएगा, दूसरे में एन आएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों प्रपोजिशन वी हैव लिव्ड इंग्लैंड, तो दोस्तों देखिए इसमें पहले में इन आएगा और इसमें डेट फिक्स दी हुई है तो सिंस आएगा, ठीक है। यदि इसमें इंग्लैंड फिर लिखा रहता है 5 ईयर, तो दोस्तों इसमें कौन से 5 ईयर ये पता नहीं रहता ना, तो फिर 4 आता। दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन आ गया है, द्रव के तल पर निलंबित अशुद्धियों के ठहराव को होने देकर उसके निपटान की प्रक्रिया कहलाती है, तो दोस्तों सेडिमेंटेशन कहलाती है अवसादन। नेक्स्ट है, किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए दुलारी कन्या योजना शुरू की है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की राजधानी ईटानगर है। नेक्स्ट है, 2016 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता, तो दोस्तों जुआन मैनुअल जी ने जीता। और दोस्तों 2014 में समाज सेवा का जो नोबेल है वो दोस्तों कैला सत्यार्थी जी ने जीता था, नेक्स्ट जो कि विदिशा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये हिंदी का, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों वारिज जो है नहीं है, और जलद है, वारिद है, जीमुत है। नेक्स्ट है, अधिकतर रसोई बर्तनों के हत्ते से बने होते हैं, तो दोस्तों ये जो है लकड़ी के बने होते हैं क्योंकि गर्म होते हैं तो दिक्कत ना हो जिससे। फिर दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है परसेंटेज का, फिर इंग्लिश है, इसमें करेक्ट टेंस जो है आपको छांटना है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वेरीफाइड सिंस द लास्ट सेंसस, तो हैज बीन इंक्रीजिंग यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या क्या है, तो दोस्तों इस 33 है, 33। फिर दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है, फिर ये जीके है, 2017 में किस आध्यात्मिक गुरु को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को। फिर दोस्तों इसमें अप्रोप्रिएट यूज टू फिल इन द ब्लैंक्स, द बॉय थैंक्ड द जेंटलमैन, तो दोस्तों वॉल हर्टली इसमें आएगा। फिर दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है, फिर ये रीजनिंग का है। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी का, अब तुम मत खेलो अर्थ के आधार पर वाक्य किसी टाइप का है, तो दोस्तों निषेधात्मक है, यानी कि इसमें जिसमें मत आ जाए ना आ जाए वो इस टाइप के निषेधात्मक है, ठीक है। और विधान मतलब सूर्य पूर्व से उदय होता है, मतलब कुछ ऐसे जो फिक्स हैं विधि, और इच्छा मतलब कि राहुल पास हो जाए या मोहन ठीक हो जाए, तो इच्छावाचक रहते हैं, ठीक है। ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है, फिर ये दोस्तों हिंदी आ गया। नाक में दम करने का मतलब है बहुत परेशान करना, इसका अर्थ है मुहावरे का। नेक्स्ट दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है, मृत वनस्पतियों के कोयले में रूपांतर की धीमी प्रक्रिया कहलाती है कार्बनाइजेशन का या कार्बनीकरण। इसमें आर्टिकल है, सी पेंटेड वंडरफुल सीनरी इन वाटर कलर वाइल सिटिंग इन गार्डन, तो दोस्तों ये आएगा वंडरफुल, और इन द फिर दूसरे में स्पेस में द आएगा। पदार्थों का गुणधर्म जिसके आधार पर उन्हें इच्छित आकार में ढाला जा सकता है कहलाता है, तो दोस्तों प्लास्टिसिटी कहलाता है। फिर दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, और ये भी मैथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर दोस्तों हम चलते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम 7 क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने हाल ही में हिंदू विवाह विधेयक पारित किया है, तो दोस्तों पाकिस्तान ने, ये उस टाइम पे क्वेश्चन आया था। फिर दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, फिर हिंदी इंग्लिश आ गया है। दोस्तों चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, द स्टोरी ऑफ अ नेशन इज द ऑफ इट्स पीपल, तो दोस्तों द स्टोरी ऑफ अ नेशन इज द बायोग्राफी ऑफ इट्स पीपल। वचन के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों दो होते हैं वचन के भेद। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, द हुगली इन टू द वे ऑफ बंगाल, तो फ्लोस इसमें आएगा। नेक्स्ट है, यह सदियों से चली आ रही है सही शब्द को, तो दोस्तों ये परिपाटी इसमें आएगा, ठीक है। फिर दोस्तों ये मैथ आ गया है, ये भी मैथ है,
फिर दोस्तों जीके है करंट, 14 जनवरी 2017 को ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों ऊंट से संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर राजस्थानी ज़्यादातर लगाएं, ठीक है। जैम और शरबत या स्क्वैश में उपयोग होने वाले सामान्य रासायनिक परिरक्षक है सोडियम बेंजोएट। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब भी खाद्य परिरक्षक की बात आए तो सोडियम बेंजोएट ही आप क्लिक कीजिए, ठीक है। ये दोस्तों फिर मैथ का क्वेश्चन है, फिर ये भी मैथ का है। नेक्स्ट है गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, तो दोस्तों ये व्यक्तिवाचक है। नेक्स्ट है निम्न में से प्रकाश का प्राकृतिक सोर्स है, जुगनू, विद्युत बल, लेजर, मोमबत्ती, तो दोस्तों जुगनू। फिर इसमें चूज द ऑप्शन दैट पिक्स आउट ऑफ ऑल नाउन इन द सेंटेंस, द ट्री कांट बी ग्रोन इन सच अ कोल्ड क्लाइमेट एज अवर ट्री और क्लाइमेट, इसका आंसर है। फिर दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग के कोड डिकोड वाले बहुत क्वेश्चन है। फिर हिंदी है दोस्तों, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना के लिए, तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम पदावनति जो है बोलते हैं, नहीं डिमोशन। आर्टिकल है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑरेंज, सी हेड, बॉल ऑफ सीरियल विद मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, तो दोस्तों पहले में एन आएगा, दूसरे में ए आएगा। आर्टिकल दोस्तों उसी नियम पे चलते हैं, जिस शब्द से पहले आर्टिकल लगाना है उसका पहला लेटर देखिए वो क्या है या क्या उसका उच्चारण है। तो यदि वो स्वर है तो दोस्त इंग्लिश का, तो उसको हम उसके पहले एन लगाएंगे, यदि व्यंजन है तो ए लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य ने अपनी होम स्टे योजना को बढ़ावा देने के लिए मैक माई ट्रिप से सहयोग लिया है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश। फिर दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, ये दोस्तों ग्रुप फाइव के पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, अभी ग्रुप फाइव का एग्जाम चल रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस, इसमें प्रपोजिशन आपको सिलेक्ट करना है। सेंटेंस है आई टोल्ड मॉम दैट वी हैड वी होम एन आवर और सो वट वी गॉट लेट स्पेस है एनोदर आवर, तो दोस्तों इसमें पहले में इन आएगा, दूसरे में बाय आएगा। फिर दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है, उस पदार्थ को पहचानिए जो एक माचिस की तीली से जल्दी से प्रकाशित नहीं हो सकता, तो दोस्तों उपला या कंडा, नहीं हो सकता, कागज हो जाएगा, एल्कोहल, मिट्टी का तेल, सभी, लेकिन जो कंडे होते हैं जिनको काउ डंक केक भी जो इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में उपला या कंडा, वो आम भाषा में कंडा जो है बोलते हैं। नेक्स्ट है फसल को उचित अंतराल पर जल की आपूर्ति कहलाती है, तो दोस्तों ये सिंचाई। फिर दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, फिर इंग्लिश आ गया। सेंटेंस कंप्लीट करना है वी विल बी टेकन बैक ही अपोलोजीज टू द अदर प्लेयर, तो दोस्तों इसमें प्रोवाइडेड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम दोस्तों पेपर की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी का, निम्न में से कौन सा विपरीतार्थ शब्द नहीं है, तो दोस्तों अपमान उपमान ये नहीं है, ठीक है। आद्य अंत ये है, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा पानी गिरना, अनावृष्टि मतलब नहीं होना, आहुत अनाहुत, तो ये लास्ट वाला सही है। नेक्स्ट जीके है किस भारतीय शहर में पहली बायोगैस बस चलना शुरू हुई है, तो दोस्तों कोलकाता। जो पृथ्वी के भीतर का हाल जानता हो तो दोस्तों उसको बोलते हैं भूगर्भशास्त्री। नेक्स्ट दोस्तों साइंस है अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हमारे शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थों का स्त्राव करती हैं, तो दोस्तों इनको हार्मोन्स बोलते हैं। फिर दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, ये इंग्लिश आ गया दोस्तों। नाउन ऑल द नाउन इन द सेंटेंस, ब्रेवरी एंड कोवर्डिस आर कॉन्ट्रोवर्शियल कंसेप्ट, तो दोस्तों ब्रेवरी कोवर्डिस कंसेप्ट ये, ठीक है। नेक्स्ट रिक्त स्थान भरे साहित्यिक जीवन की है, तो दोस्तों अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट दोस्तों 2017 में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन शहर में आयोजित किया गया था, तो दोस्तों गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु सामान्य ठोस होती है, निम्न में से कौन सी एक धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो दोस्तों पारा, जिसका उपयोग जो है डॉक्टर जो है उपयोग करते हैं थर्मामीटर में टेम्परेचर मापने के लिए। ये दोस्तों फिर मैथ का क्वेश्चन है, फिर
फिर दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर जीके आ गया। भारत का कौन सा हवाई अड्डा एशिया प्रशांत क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रन का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन सी वाज अ ग्रेट डैश फेयर। इसमें दोस्तों आर्टिकल, तो आर्टिकल में दोस्तों बिसाइड अनाउंसिंग इवेंट्स इन स्पेस फ्रेस स्पेस ऑर्गेनाइजर हैव आल्सो ऑर्गेनाइज फ्री पास फॉर सिलेक्टेड कैटेगरी, दोस्तों दोनों जगह एन आए दा आएगा। फिर दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, फिर ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। जब हम एक धातु की चम्मच के बाहरी सिरे पर किसी छवि को देखते हैं तो जो छोटी दिखेगी धातु चम्मच का बाहरी, तो दोस्तों ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। फिर दोस्तों ये करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, द फाइनेंस मिनिस्टर द बजट ऑन द लास्ट डे ऑफ फरवरी एवरी ईयर, तो दोस्तों प्रेजेंट्स करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट्स आएगा यहाँ पे। फिर दोस्तों ये रीजनिंग आ गया है, ये मैथ का क्वेश्चन है समचतुर्भुज से। फिर दोस्तों ये इंग्लिश है, प्रपोजिशन, इसमें प्रपोजिशन फ्रेसेस बताना सिलेक्ट करना है। व्हेन देयर डिमांड्स वर नॉट मेट द वर्कर डाउन देयर टूल्स एंड, तो दोस्तों इसमें वॉकड आउट आएगा। इसमें दोस्तों फिर बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट सी नोटिस ऑफ हाउसेज दैट लुक स्ट्रिंगली सिमिलर, तो दोस्तों इसमें रो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मोटर यान से चलते हैं, तो दोस्तों ये डीजल से चलते हैं, जैसे कि ट्रक हो गया, बस हो गया। नेक्स्ट है, यह किताब मेज पर रखो, यह बाकी, तो दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, स्थान और दिशा बता रहे हैं, ठीक है, वैसे आज्ञा सूचक वाक्य भी है ये। ये दोस्तों फिर मैथ का क्वेश्चन है और ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर की ओर दोस्तों हम चलते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है साइंस का ही है, द्वि क्षार की अम्ल को पहचानिए, तो दोस्तों H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आर्टिकल आपको फाइंड करना है, तो दोस्तों देखिए ही वाज ऑनरेबल है तो इसके पहले एन आएगा। फिर दोस्तों टेम्पटेशन ऑफ टॉकिंग केस, तो दोस्तों इसमें द आएगा, ठीक है। फिर दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, फिर इंग्लिश आ गया है, करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस ड्रंकन ड्राइविंग मैनी एक्सीडेंट, तो दोस्तों इसमें कॉजेज आएगा, ठीक है, यानी कि जो एक्सीडेंट के ज़्यादातर कारण जो है शराबी जो ड्राइवर होते हैं वो होते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का है दोस्तों, मैथ रीजनिंग की हम दोस्तों आपको क्लास लगाएंगे। नेक्स्ट है, शरीर घड़ा और कुंभ का एक पर्यायवाची कौन सा है, तो दोस्तों घट। नेक्स्ट है, PSLV एवं GSLV क्या है, तो दोस्तों ये भारतीय उपग्रहों के दो प्रक्षेपण वाहन हैं जिसके द्वारा सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। PSLV पुराना है, GSLV दोस्तों नया है। ये दोस्तों फिर मैथ का क्वेश्चन और फिर इंग्लिश आ गया, करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन आई मस्ट टेल यू अबाउट माई स्पेस ऑन माई अराइव्ड इन लंदन, तो दोस्तों एक्सपीरियंस इसमें आएगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कम्प्लीट द सेंटेंस ही रिसीव्ड अ लार्ज सम ऑफ मनी एज, इसमें दोस्तों कंपेंसेशन फॉर हिज डिसेबिलिटी इन द एक्सीडेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑफ गिवन सेंटेंस, देयर आर टू काइंड ऑफ फ्लैट्स इन सेचूरेटेड फ्लैट्स द अदर इज अनसेचूरेटेड, तो दोस्तों इसमें वन आएगा पहले में, वन इज सेचूरेटेड। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी थे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हरिपुरा 38 में, 1938 में, 1939 में ये त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हालांकि त्रिपुरी में दोस्तों थोड़ा विवाद सा हो गया था, फिर बाद में राजेंद्र सिंह जी ने अध्यक्षता की थी त्रिपुरी अधिवेशन की, त्रिपुरी जो है MP के जबलपुर में। फिर दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1969 में हुई थी, 1969।
साइंस है पौधे का प्रसार, जिसमें एक पौधे के कटे तने को दूसरे उस पौधे के तने से जोड़ा जाता है जो कि ज़मीन में लगाया कहलाता है। तो दोस्तों, एक कलम बांधने का काम कहलाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। दैहिक 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 तो दोस्तों लास्ट वाला इसमें सही है, सही शब्द। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो दोस्तों अव्ययी भाव समास है इसमें। दोस्तों प्रपोजिशन डेविड वर्क, दोस्तों पहले में इन आएगा, दूसरे में माइटी वर्क वेब डिजाइनिंग इन आएगा दोनों में। फिर दोस्तों ये रीजनिंग है, फिर ये साइंस आ गया। भारी व्यायाम के दौरान के संचयन के कारण हम पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन महसूस करते हैं? तो दोस्तों लैक्टिक एसिड। पगड़ी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों हंसी उड़ाना। और ये दोस्तों जीके का क्वेश्चन है। फॉल्ट से एक प्रवासी शब्द है जो कि प्रयुक्त तो होता है। तो दोस्तों ये जो है मतलब जो विवर्तनिक पट्टिकाओं की सीमाओं के साथ कमजोर बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर की ओर दोस्तों हम चलते हैं। लास्ट पेपर है ये। नेक्स्ट है दोस्तों जनरल जीके का क्वेश्चन है। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस इस। ये पेपर दोस्तों हमने देख लिया था। ये पेपर तो दोस्तों हमने देख लिया था। ये कौन सा खुला है? 20 तारीख वाला ही खुला है। लास्ट वाला देखते हैं फ्रेंड्स। ये नहीं देखा है फ्रेंड्स हमने। ये दोस्तों पहले मैथ का क्वेश्चन है। फिर दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है। गलत युग्म में तो दोस्तों इसका आंसर जो है वैसे कपो तो कोआ माना था, लेकिन ये क्वेश्चन हटा दिया है। ठीक है। फिर दोस्तों इस साइंस का क्वेश्चन है अपघटन प्रतिक्रिया की पहचान करें। तो दोस्तों CaO+CO2, ये दोस्तों साइंस मैथ का क्वेश्चन है। ये रीजनिंग है। फिर क्वेश्चन है फर्न के माध्यम से प्रजनन करते हैं? तो दोस्तों बीजाणु स्पोर्स जो है फर्न के माध्यम से प्रजनन करते हैं। फिर दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है। हिंदी आ गया। निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? देखिए दोस्तों वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। दोस्तों जैसे के और इनसे जो है इस जुड़े होते हैं मिश्र, दो इसमें काम होते हैं। नेक्स्ट है भारत भारती के रचनाकार हैं? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी। वह परिघटना जिसके कारण मृदा अपरदन नहीं होता? तो दोस्तों चट्टान का विखंडन के कारण नहीं होता। 2016 में संयुक्त राष्ट्र में पहली बार कौन सा त्यौहार मनाया गया? दिवाली। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है। फिर ये इंग्लिश है। कंप्लीट द सेंटेंस, चूज द राइट ऑप्शन। द स्पेस, फिर केप्ड माई फ्रेंड फॉर वीक। तो दोस्तों इंजरी इनकैपेसिटेड आएगा। ठीक है। फिर दोस्तों इसमें आर्टिकल, तो आर्टिकल का जो नियम है दोस्तों वही है, मतलब जिस शब्द के पहले लगाना है उसको देखो उसका उच्चारण कैसे है। तो दोस्तों स्वर की तरह है तो उसमें एन आएगा, व्यंजन की तरह है तो ए आएगा। तो इन दोनों का उच्चारण रो का और कॉर्नर का व्यंजन की तरह दोनों में ए आएगा। फिर दोस्तों नाउन वाला क्वेश्चन आ गया। एल्कोहलिज्म इज अ बिग प्रॉब्लम इन द कंट्री। तो एल्कोहलिज्म प्रॉब्लम ओ कंट्री। फिर दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है। हिंदी आ गया। जो इंद्रियों को बस में कर ले इस वाक्य के लिए, तो दोस्तों जितेंद्री। फिर दोस्तों ये इंग्लिश है। स्पेस है ऑल द सब्जेक्ट स्पेस द स्कूल कॉरिकुलम, परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इज द स्टडी स्पेस लैंग्वेज। तो दोस्तों पहले में ऑफ आएगा, दूसरे में एन, तीसरे में ऑफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट यूजेज टू फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज नेवर इन टाइम फॉर मील्स। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह की सबसे कम घूर्णन अवधि है? दोस्तों जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए थे काफ़ी। तो दोस्तों बृहस्पति जो है घूर्णन अवधि कम है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? उस टाइम पे कौन थे? करनाल सिंह जी। फिर दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है।
फिर ये जी के आ गया। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद से। फिर इंग्लिश है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। आई फ्री स्पेस है, अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट, तो आई एम रीडिंग इसमें आएगा। फिर दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने का 7 पेपर जो है हमने देखे हैं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।